हेलो गाइस, आज हम RGPU का एक सब्जेक्ट है एडा, जिसको हम पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हमारे इसमें एल्गोरिथम के बेसिक कंसेप्ट, बाइनरी सर्च, ग्रीडी स्ट्रेटजी, डायनामिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रैकिंग एंड बाइनरी सर्च के कुछ कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे, एंड NP का। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल का नाम है टेकिंग नॉलेज, एंड सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन आप देख रहे हैं, इस रेड बटन पर आप क्लिक कर दीजिएगा, स्टूडेंट मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाए। और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इस बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, स्टूडेंट आपके उसमें लेटेस्ट अपडेट आते रहेंगे। आप देख सकते हैं बेल आइकन पर क्लिक करने का, ठीक है। कम्प्लीटनेस, ये सब हमें कम्प्लीट करना है आज के ट्यूटोरियल में। चलिए, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा, स्टूडेंट आपको समझ में आए पूरी वीडियो, स्टार्टिंग से एंड तक पूरी देखिएगा। और अपनी एक कॉपी उठा लीजिए और एक पेन, उसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उसको नोट करते चलिए, स्टूडेंट आपको एंड में रिवाइज करने में ईजी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा मल्टी स्टेज ग्राफ। सो आप देख सकते हैं, जैसे इसके नाम में ही पता पड़ रहा है, मल्टी स्टेज ग्राफ मीन्स ये हमारा एक ग्राफ है। आप देख सकते हैं ये हमारा एक ग्राफ है। इस ग्राफ में हमारे वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस कनेक्टेड हैं एजेस से, तो ये हमारा होता है ग्राफ, ठीक है। और हर एक एज में हमने कोई वैल्यू असाइन कर दी है, जिसमें एस से ए तक 1 है, ए से ई तक 6 है, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। ये हमारा ग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। हम पढ़ते हैं मल्टी स्टेज ग्राफ। ग्राफ तो क्लियर हो गया, मल्टी स्टेज, मल्टी स्टेज माने हमने इस ग्राफ को, पूरे ग्राफ को स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने कहा कि ये एस है, ये स्टेज 1 में आता है, स्टेज 2 में ए बी डी आता है, स्टेज 3 में डी ई आता है, स्टेज 4 में टी आता है। तो आप देख सकते हैं, हम अगर ऐसे यहाँ वर्टिकल लाइन खींचे, यहाँ पे ऐसे वर्टिकल लाइन खींचे, यहाँ पे ऐसे वर्टिकल, तो आप देख रहे हैं इसमें एजेस कवर हो रही हैं। तो ये हमने इसको स्टेज में डिवाइड कर दिया कि इस स्टेज में इतनी वर्टिस, स्टेज 2 में 3 है, स्टेज 3 में 2 हैं। तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देयर इज सिंगल वर्टेक्स इन स्टेज 1। सही बात है, हमारा स्टेज 1 ही है, इसमें सिर्फ एस सिंगल वर्टेक्स है, स्टेज 2 में 3 है, स्टेज 3 में 2 है, स्टेज 4 में, ऐसे समझ रहे हैं आप। ये हमारा हो गया मल्टी स्टेज। अब हम समझते हैं मल्टी स्टेज ग्राफ क्या होता है। इन मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स टू सिंक। जो ये हमारा सोर्स है, ये हमारा सिंक है, यहाँ से लेके पहले 3 वर्टिसेस हैं, फिर ये 2 वर्टिसेस हैं, फिर ये हमें घूम फिर के एस लेकर टी तक पहुंचना है। तो इसे पहुंचने के लिए हमारे कितने सारे रूट्स हैं, यहाँ के तो हमारे को सबके अलग अलग कॉस्ट दिए हुए हैं। जो डायरेक्टेड ग्राफ है, ये सब कॉस्ट है, कॉस्ट हर एक एज का एक कॉस्ट है कि ये सब ग्वालियर से लेके मुंबई जाने का इतना कॉस्ट है। तो ये सबके कॉस्ट गिवन है हमें, तो हमें यह करना है कि हमें यहाँ से यहाँ तक मिनिमम कॉस्ट चाहिए। आप देख सकते हैं एस से अगर हम बी जाएँ 2, बी से ई जाएँ 10+2 12, ई से टी जाएँ 12+2 14। तो अगर हम एस से लेकर टी तक इस रूट को फॉलो करें, हमारा 14 कॉस्ट आ रहा है। हम अगर ऊपर चलें एस से ए 1, ए से 3 ए 4, 4 टू ए 12, आप देखिए ये कम पड़ा, ई टी में से एस ए डी टी सस्ता पड़ा, इजी। ये अपना अपन को ये निकालना, अपन को निकालना मिनिमम कॉस्ट आना चाहिए, ठीक है। मल्टी स्टेज ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ, वर्टिसेस आप पार्टीशन टू के स्टेज बता दी मैंने आपको, देयर इज सेट ऑफ वर्टिसेस ईच स्टेज, द मल्टी स्टेज ग्राफ कैन बी सॉल्व यूजिंग फॉरवर्ड एंड बैक। उसमें दो अप्रोच होती हैं, एक होती है फॉरवर्ड अप्रोच, एक होती है बैकवर्ड अप्रोच। पहले हम पढ़ेंगे बैकवर्ड अप्रोच। अब बैकवर्ड अप्रोच क्या बोलती है, आप देख सकते हैं, जैसे कि बैकवर्ड वाला हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया कि हमारा डी ऑफ, गाइस आप बाकी नोट्स जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करके आप उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं, इजीली डाउनलोड हो जाएंगे। और मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था, ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 कवर किया, अब पार्ट 2 भी है, पार्ट 2 में मैंने और टॉपिक एक्सप्लेन करें, आप देख सकते हैं वो सेम टाइटल्स है, कंप्लीट डेटा एंड 20 मिनट्स, पार्ट 2 पार्ट 3। तो आप देख सकते हैं एस से टी तक की डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे एस से टी तक की डिस्टेंस, आप देख सकते हैं लाइक हमारे पास एक फंक्शन है मिन फंक्शन, मिन मिन मीन्स जैसे इस वर्टिसेस से ये तीन एडजेसेंट हैं, तो इन तीनों एडजेसेंट में सबसे सस्ता कॉस्ट किसका है, एस से ए का, तो हमें एस से ए चाहिए रिक्वायर्ड वर्टेक्स। तो मिन फंक्शन काम ये, हम मिनिमम से मिनिमम जिसका कॉस्ट होगा वो वाला हमें गिवन कर देगा।
तो हमें यही चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं हमने मेन फंक्शन को कॉल किया, आप देख सकते हैं जैसे कि वन प्लस डी ए टी, हमने कहा एस से टी तक का कॉस्ट, तो एस से टी डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। पहले हमें ये वाली यहाँ जाना पड़ेगा, स्टेज वन से स्टेज टू जाना पड़ेगा, स्टेज टू से स्टेज थ्री, स्टेज थ्री से स्टेज फोर, पहले स्टेज वन से स्टेज टू जाएंगे। तो ये एस से ए, एस से बी, एस से सी, तो हमने पहले लिया एस से ए, एस से ए का कॉस्ट होता है वन, देख सकते हैं वन। फिर हमने कहा ए से टी का डायरेक्ट लिख दिया, हमने एक फंक्शन ही लिख दिया डी ए टी, ठीक है, ए से टी डी ए टी। फिर हमने कहा कि एस से टी भी ले सकते हैं डायरेक्ट, तो एस बी और बी टी, एस बी का अपना टू है और बी टी, तो देखिए टू डी बी टी, ठीक है। हम एस से सी से भी जा सकते हैं, तो ये एस सी सेवन और सी से अपने डायरेक्ट टी पे आ रहा है, तो ये देखिए सी टी सेवन प्लस सी टी, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें एस से टी की चाहिए, तो एस से टी के लिए ये तीन नए आ गए हमारे पे डिस्टेंस और निकालने, ए टी बी टी सी टी, तो ए टी बी टी सी टी की वैल्यू निकालें। तो अब देखिए हम निकालेंगे ए टी बी टी सी टी को कंप्यूट करेंगे, तो ए टी के लिए आप देखिए हम सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज पे जाएंगे, सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज थर्ड से फोर्थ, तो सेकंड से आप ए से देखिए ए से डी तक जाने के मतलब हमें थर्ड से जाने के, ये हमारे पास थ्री प्लस डी टी, आप देख सकते हैं थ्री प्लस डी टी, ठीक है। अब हम देख रहे हैं एक और है ए से, एक और रूट है ये ए से ई, ई से टी, तो सिक्स प्लस ई टी, तो आप देख सकते हैं ये हमारा सिक्स प्लस ई टी, ऐसे ए टी, ऐसे बी टी निकल जाएगा, ऐसे सी टी निकल जाएगा, आप देख सकते हैं ये ग्राफ से ही हमें बस देखते रहना है, ए टी बी टी सी टी निकल जाएगा। अब जब ए टी बी टी सी टी निकाल दो, दो नीचे और डी टी और ई टी, अब डी टी और ई टी निकालो तो डी टी ई टी डायरेक्ट हमारे पास है, उनके लिए हमें कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है, डी टी है हमारा एट, ई टी है हमारा टू, अब कुछ नहीं आपने इतना कर लिया ना। अब आपको क्या करना है, डी टी और ई टी को ये जो इक्वेशन फोर और थर्ड जिसको आपने निकाला था ना बी टी सी टी, उन्हें पुट कर दो बस सिंपली, तो आपको बी टी सी टी मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपने ए टी बी टी सी टी तीनों में उनकी पुट कर दी डी टी ई टी, तो आप देख सकते हैं आपको ये मिल गया, यहाँ पे थ्री प्लस एट सिक्स प्लस टू, तो आप एक बार इस इलेवन। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल का नाम है टेकिंग नॉलेज, एंड सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन आप देख रहे हैं, इस रेड बटन पे आप क्लिक कर दीजिएगा सो डेट मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाए, और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इस बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा सो डेट आपके उसमें लेटेस्ट अपडेट आते रहेंगे, आप देख सकते हैं बेल आइकन पे क्लिक करने का, ठीक है। प्लस एट इलेवन कॉमा एट मिन फंक्शन के अंदर जो मिनिमम होगा वो आ जाएगा, एट मिनिमम है, ए टी की वैल्यू एट हो गई, ऐसे बी टी में हमारा ये मिन है, इन दोनों में ये ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व दोनों सेम है, तो ट्वेल्व ही आ जाएगा कुछ नहीं, मिन में सी टी में अपना फाइव और टेन है तो फाइव आ जाएगा, सीधी बात है, तो आप देख सकते हैं इजीली। हम क्या करेंगे, ये हमारी अब हमारा यहाँ पे पहले ए टी बी टी सी टी हमें चाहिए था, अब हमारे इन सब से ए टी बी टी सी टी भी आ गए, हमें बस ए टी बी टी सी टी को एस टी में पुट करना है, हमारा रिक्वायर्ड बैकवर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे अब अपना एक पुट कर दिया, एस टी में हमने ए टी बी टी सी टी डाला, मिन आया नाइन फोर्टीन ट्वेंटी थ्री, तो आप नाइन फोर्टीन ट्वेल्व, तो आप देख सकते मिन कौन है नाइन एस टी, तो डी एस टी की वैल्यू होगी नाइन। और अब आप एक ये अगर देख सकते हैं कि आपको ये नाइन मिली किससे, ए टी से मिली, ठीक है, ए टी से मिली, मीन्स एक चीज़ कन्फर्म हो गई कि एस और ए तो आने ही आने हैं। देखिए आप जैसे कि हमें ए टी से मिली ना एस ए टी, तो इसमें ए तो आया ही ना मिन में नाइन, तो एस से फिक्स हो गया अपना, फिक्स हो गया। अब हम ये करेंगे देन अपना यहाँ देखेंगे ये अपना, तो आप देख सकते हैं हम ए टी पे आ गए, ए टी हमें मिन किससे मिला था इलेवन कॉमा एट, एट यहाँ से एट, और यहाँ एट क्या था अपना था ई टी, ठीक है, आप देख सकते हैं ई टी। तो अब हमारे क्या क्या पाथ में आ गया, हमारे पाथ में आ गया एस से ई और ए से ई और ई से टी, तो आप देख सकते हैं ये हमारा मिनिमम पाथ है इस पूरे ग्राफ में, इसकी वैल्यू है नाइन, ठीक है, आप समझ गए, ये हमारी हो गई फॉरवर्ड अप्रोच। अब हम बात करते हैं, ये हमारी सॉरी बैकवर्ड अप्रोच हो गया, अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड अप्रोच की। फॉरवर्ड में हमारे पास एस ए एस बी एस सी, ये हमने तीनों हमारे पास हैं ही, एस ए एस बी एस सी, हमें अब आगे से पीछे जाना है, ठीक है, और पहले हम पीछे से आगे आए थे बैकवर्ड में, आप देख सकते हैं एस ए एस बी एस सी हमारे पास है ही, सिंपली हमें क्या करना है एच डी निकालना है। एच डी कैसे निकालेंगे हम, यहाँ एच डी के लिए हम क्या करें एस ए ए डी, और उसकी ए डी की वैल्यू है ही हमारे पास, ऐसे फिर एस टी के लिए भी निकालेंगे, क्योंकि तो फॉरवर्ड तो बहुत ईजी है, आप देख के समझ जाएंगे, आप मेरे नोट्स पर डाउनलोड कर लीजिएगा याद से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये अपना मिन
और ये अपना एच डी निकल आएगा ऐसे, फिर ऐसे ही अपना यहाँ से मिन वैल्यू 4 आ जाएगी एच डी की, फिर एस ई निकालेंगे उसमें भी ऐसे ही निकालेंगे, जो जो एडजस्टमेंट नोट्स कनेक्टेड हो सब लिख दीजिए आप, फिर ऐसे एस ई भी आ गया, अब ऐसे ई तो पक्का ही हो गया, अब एस टी निकालना है अपन को, तो एस टी के लिए सिंपली अपन को क्या करना है, हमारे पास एस से लेके डी तक का पाथ आ गया, एस से लेके ई तक का पाथ आ गया, तो हम ये करेंगे चाहिए एस से टी तक का चाहिए तो वो भी निकाल लेते हैं। सिंपली हमने ये फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला बनाना बहुत ईजी होता है, देख सकते हैं मिन में एस से टी, डी से टी, एस से ई, ई से टी, एस से सी, सी। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल का नाम है टेकिंग नॉलेज, एंड सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन आप देख रहे हैं, इस रेड बटन पे आप क्लिक कर दीजिएगा सो डेट मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाए, और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इस बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा सो डेट आपके उसमें लेटेस्ट अपडेट आते रहेंगे, आप देख सकते हैं बेल आइकन पे क्लिक करने का, ठीक है। बहुत ईजी है, सिंपली वैल्यू पुट करी, इसका मिन में 12 9 7, 9 स्मॉलेस्ट 9, अब पाथ में निकल ही गया, तो ये अपना पूरा मल्टी स्टेज ग्राफ का कॉन्सेप्ट था, तो होप करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न। सो ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न, जैसे कि हम जानते हैं मर्जिंग क्या होती है, वैसे ही ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न में क्या होता है, पहले आपको सिंपल कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं। अगर एक ए एक लिस्ट है, सॉर्टेड लिस्ट है, बी एक सॉर्टेड लिस्ट है, ठीक है, एम एलिमेंट्स एन एलिमेंट्स, आपको एक सी एक लिस्ट बनानी है ए और बी को मर्ज करके, तो मर्ज कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आके पूरे स्मॉल नंबर, राइट हैंड साइड आके बड़े नंबर, 3 और 5 में कंपेयर किया कौन छोटा है, 3, ठीक है, 5 और 8 में कंपेयर किया कौन छोटा है, 5, 8 और 9 में कंपेयर किया कौन छोटा है, 8, 9 और 12 में कंपेयर किया कौन छोटा है, 9, 12 और 11 में कौन छोटा है, 11, 12 और 20 में कौन छोटा है, 12, ठीक है, ऐसी करके दे पूरी लिस्ट हमारी बन जाएगी ये, अब देख सकते हैं ए बी एंड लिस्ट, वी हैव मर्ज टू लिस्ट सॉर्टेड लिस्ट मेक सी, ठीक है। अब ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न क्या होता है कि हमारे पास अब लिस्ट नहीं होंगे, अब हमारे पास फाइल होगी, उस फाइल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, हमने डिफाइन कर दिया, हम ये मांग चल रहे हैं कि वो हमारी लिस्ट है, वो सॉर्टेड लिस्ट है, हमारी ए एक लिस्ट है उसमें 6 एलिमेंट है, इसका साइज है, बी एक लिस्ट है उसमें 5 एलिमेंट, सी एक लिस्ट है 2 है, डी में 3 है, ऐसे करके अब हमें ये करना है मिनिमम कॉस्ट निकालना है, मीन्स हम इन चारों फाइल्स को जब मर्ज करेंगे तो इनका मिनिमम कॉस्ट क्या आएगा, हमें ये निकालना है, जैसे ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न, हमें मर्जिंग करनी है ऑप्टिमम वे में सो दैट हमारा कॉस्ट लेस हो। अब देखिए कि ये फाइल्स हैं, हम इसको मर्ज कैसे करेंगे, पहले हमने एक तरीका अपनाया कि ए बी को मर्ज किया 11 6+5 11, ठीक है, फिर अब 11 को हमने किया 2 से मर्ज तो ये हो गया 11+2 13, अब 13 को मर्ज किया हमने 3 से ये हो गया 13+ ये 16, तो टोटल हमारा कॉस्ट क्या है 11 13 16, 11 13 16 = 40, टोटल कॉस्ट है हमारा 40 जब हम इस वे में कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसी फाइल को इस वे में मर्ज करते हैं, पहले हमने सी और डी को मर्ज किया 2 और 3 5, फिर हमने इस 5 को इस 5 से किया तो 10 हो गया, इस 10 को हमने 6 से किया 16, तो हम 16 10 5 को जब मर्ज करते हैं 16 10 5 ये 31। आप देखिए फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल का नाम है टेकिंग नॉलेज, एंड सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन आप देख रहे हैं, इस रेड बटन पे आप क्लिक कर दीजिएगा सो डेट मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाए, और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इस बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा सो डेट आपके उसमें लेटेस्ट अपडेट आते रहेंगे, आप देख सकते हैं बेल आइकन पर क्लिक करने का, ठीक है। ये कहाँ ये 40 आ रहा था, कहाँ ये 31 आ रहा था, मीन्स जब हम उसको अरेंज कर रहे थे, मर्ज कर रहे थे, तो उसमें कॉस्ट भी डिफरेंस आ रहा है। अब देखिए हम इस तरीके से करते हैं, ए और बी को मर्ज किया और सी और डी को मर्ज किया, इसको 11 आया, इसका 5 आया, फिर इन दोनों को मर्ज किया 16 आया, अब इन तीनों को कॉस्ट लेकर 11 16 15, इसका 32, तो आप देख सकते हैं अलग अलग मेथड से अलग अलग कॉस्ट आ रहा है, तो हमें क्या चाहिए ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न, तो आप देख सकते हैं हम क्या 32 कितना ज़्यादा है 31 कम है, तो अब हमने क्या करा एक मेथड बना लिया, इस मेथड को आप समझिएगा, हमारे पास लिस्ट है 5 लिस्ट है x1 x2 x3 x4 x5, उनकी साइज गिवन 20 10 30, आप देख सकते हैं हम ये करना है कॉस्ट ऑफ मर्जिंग, तो हम क्या करेंगे सिंपली पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, ठीक है, तो हम असेंडिंग ऑर्डर में करा, तो आप देख सकते हैं ये हमारा साइजेस के असेंडिंग ऑर्डर में, तो 5 पहले आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 20 आएगा, 30 30, ऐसे बन जाएगा, तो आप देख सकते हैं 5 10, और जो भी फाइल हो तो उसको फाइल नेम लिख देंगे,
देखिए फाइव जो स्टार्टिंग के दो होंगे इजीली सीधी मर्ज कर दीजिए, 15 हो गया, 5 10 15। हम क्या करेंगे इस 15 को 20 से कंपेयर करेंगे। कंपेयर मीन पहले हम देखेंगे 15 और 20 को हमने किया, इसका आंसर आया 35, ठीक है, और 15 को इससे किया तो इसका आंसर है 45। छोटा कौन है ये वाला, 15 और 20 35 बन गया, ठीक है। हम क्या करेंगे इस 35 और 30 को मर्ज करें तो क्या है 65, इस 35 को इससे किया तो 65, और अगर हम इन दो 30 को करें 30 30 तो 60 आ रहा है, 60 मिनिमम है ना, तो हम 60 इस वाले मर्ज को चुनेंगे, इधर इसको नहीं चुनेंगे हम 35 30 को, हम इन दोनों को मर्ज करके बना देंगे। फिर हम क्या करेंगे अब हमारा एक 35 और 60 है, इन दोनों को मर्ज के 95। तो अब देखिए 15 35 60 और 95, इन जब पांचों को चारों को मल्टीप्लाई करें 205 आया। तो ये मिनिमम कॉस्ट है मर्जिंग का। तो हमने एक मेथड निकाल लिया, आप समझ गए होंगे इजीली, स्टार्टिंग के दो को कर दो क्योंकि वो असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद फिर चेक करेंगे 15 को 20 से 15 को 30 से सबसे जिसका मिनिमम हो उससे कर दो, 15 का 20 से मिनिमम आया तो 35 यहाँ आ गया, ऐसे करते जाएंगे। तो आपको समझ में आया होगा। अगला टॉपिक पे आते हैं, हमारा अगला टॉपिक है नैपसैक प्रॉब्लम। अब ये थोड़े नोट्स थोड़े ब्लर हो गए उसके लिए सॉरी, हम आगे समझते हैं। नैपसैक माने हमारे पास एक कैपेसिटी है, मीन्स हम जब हमारे पास एक, हाँ हिंदी में हम उसको कहते हैं झोला, झोला समझते हैं, झोले में आप कुछ भी सामान डाल सकते हैं। तो क्या होता है अब आप उस झोले की कोई कैपेसिटी होती है, लिमिटेड कैपेसिटी होती है, आप उसमें उतने ही ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। अब करना क्या है इस नैपसैक में पहले ऑब्जेक्ट्स डालने हैं, ठीक है, और डालने के ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डालने हैं और आपको कम से कम कॉस्ट में पड़े वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, उनको आप फिर सेल कर दें, मतलब अपने नैपसैक से निकाल दें। तो आपका ये टास्क है। तो क्या करेंगे नैपसैक एक झोला है, इसमें हम ऑब्जेक्ट्स डालेंगे। तो आप देख सकते हैं आपके पास ये 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट 0 1 2 3 4 5 6 7, M15 माना उसकी कैपेसिटी 15 है, मतलब उसका जो वेट है उस नैपसैक का 15 के जी से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम देखते हैं उसका प्रॉफिट, मतलब अगर आखिर 0 ऑब्जेक्ट पे इतना प्रॉफिट है, 1 ऑब्जेक्ट पे 10 प्रॉफिट है, 2 ऑब्जेक्ट पे 5 प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट्स हैं, उसका वेट दिया कि ये 3 किलो है 5 किलो है, ठीक है। हमें वी हैव टू फिल दिस बैग विद ऑब्जेक्ट्स एंड वी विल कैरी द बैग एंड वी विल सेल द ऑब्जेक्ट्स एंड गेट द प्रॉफिट, सो वी हैव टू कैरी द कंटेनर फॉर गेटिंग प्रॉफिट। समझ रहे हैं आप, ईजी लैंग्वेज है, लाइक वी हैव ऑब्जेक्ट्स हुज टोटल वेट इज ग्रेटर देन द कैपेसिटी ऑफ नैपसैक 15 kg, देन दिस इज ए प्रॉब्लम। हमारी प्रॉब्लम यही, अगर हमारे पास कैप गाइस, आप बाकी नोट्स जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करके आप उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं, ईजिली डाउनलोड हो जाएंगे। और मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था, ये पार्ट वन है, पार्ट वन कवर किया, अब पार्ट टू भी है, पार्ट टू में मैंने और टॉपिक एक्सप्लेन करें, आप देख सकते हैं वो सेम टाइटल्स है, कंप्लीट डेटा एंड 20 मिनट्स पार्ट टू पार्ट थ्री, तो आप देख सकते हैं। हमारे पास कैपेसिटी इनफाइंड आए तो हम सब ऑब्जेक्ट डाल के अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने, पर हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारा कंस्ट्रेंट ये है कि हमारे को 15 केजी में सब काम करना है, 15 केजी उसका कैपेसिटी है, तो हमें ये हमारी प्रॉब्लम है। अब हम क्या करेंगे, सो वी हैव टू फिल दिस बैग बाय ऑब्जेक्ट्स से दैट वी मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, सो दैट वी गेट मैक्सिमाइज प्रॉफिट, सो इज इट इज द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, इट्स ग्रीडी प्रॉब्लम, देयर इज अ कंटेन टोटल कैपेसिटी 15 kg, वी कैन टेक फ्रैक्शन ऑल्सो। जैसे हमारे पास आप समझ सकते हैं 3 किलो पोटैटोस हैं, तो हम 1.25 किलो पोटैटोस ले सकते हैं, वन किलो पोटैटो ले सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हम उसको डिवाइड ईजिली कर सकते हैं, जैसे हमारे 3 kg तो हम 1 kg भी ले सकते हैं, हमारे अकॉर्डिंग है, हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जैसे हम कहें एक वॉशिंग मशीन आधा किलो ले दो तो ये पॉसिबल नहीं है ना, उसमें फ्रैक्शन नहीं हो सकता, बट एक किलो आधा किलो हम ले सकते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल में, तो आप इसको याद रखिएगा। हम आते हैं, हम जैसे कि इसको सॉल्व करना बड़ा ईजी है, आपको मैंने दिखा दिया आपके ये पी प्रॉफिट है, डब्ल्यू वेट है उसका, कुछ नहीं करना आपको पर यूनिट वेट निकालना, पर यूनिट वेट कैसे निकालना, पी अपॉन डब्ल्यू से डिवाइड करिए, हर एक ऑब्जेक्ट को उसका प्रॉफिट और वेट से डिवाइड करिए, जो आपके ये लिस्ट बन जाएगी पूरी, आप देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे अपने इस लिस्ट में देखेंगे कि हमारा सबसे ज़्यादा हमें किस में मिल रहा है, जैसे कि हमारा हाइएस्ट पी अपॉन डब्ल्यू जिसका होगा ना, हम उसको सिलेक्ट कर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं फिफ्थ ऑब्जेक्ट ये 6, इस पूरी लिस्ट में 6 सबसे बड़ा, और 6 का फिफ्थ ऑब्जेक्ट का है, तो हम ये करेंगे सिंपली फिफ्थ ऑब्जेक्ट माने कि अपना ये वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिफ्थ ऑब्जेक्ट माने 1 2 3 4 5, तो आप देख सकते हैं हम इसमें से क्या करेंगे, ये हमारा फिफ्थ ऑब्जेक्ट है, ये उसका प्रॉफिट है 6 और उसका वेट है
वन, तो हम सिंपली वन माइनस कर देंगे इसमें से। टोटल हमारी कैपेसिटी 15 माइनस वन क्या 14, हमारी नई कैपेसिटी हो गई 14 के जी। ठीक है, हम क्या करेंगे सेकेंड पी अपॉन डब्ल्यू निकालेंगे। सेकेंड पी अपॉन डब्ल्यू क्या है अपनी फर्स्ट ही है 5, और फर्स्ट का वेट कितना है अपना, फर्स्ट का वेट है अपना आप देख सकते हैं फर्स्ट का वेट है अपना 2। ठीक है, तो अब 2 अपन माइनस कर देंगे 14 से, माफ़ कर दूँगा आपके लिए वो नोट्स थोड़े बिगड़ गए हैं तो मैं करूँगा, तो ये 2 माइनस किया अपन ने 14 है 12 बचा। वैसे ही अपन थर्ड हाईएस्ट निकालेंगे पी अपॉन डब्ल्यू, वो अपना है 6 वाला ऑब्जेक्ट 4.5, इसका वेट अपन माइनस कर देंगे। सर माइनस करते करते आप देखिए हम यहाँ पहुँच गए। अब क्या होगा जहाँ इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हम एंड में पहुँचेंगे यहाँ 3-1, यहाँ हमारा 2 बचा, हमारी लेटेस्ट है 2 कैपेसिटी। अब हम हमारी लास्ट पी अपॉन डब्ल्यू है 1.66, अब 1.66 से सेकेंड ऑब्जेक्ट का है, और सेकेंड ऑब्जेक्ट का वेट कितना है अपना, सेकेंड ऑब्जेक्ट का वेट है अपना 3 है, 3 वेट है, और यहाँ हमारे पास 2 है, तो हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे मतलब 2 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 हमने से 2 माइनस कर लिए इसमें सिंपली 0 हो गया, समझ सकते हैं आप इजीली। अब क्या करेंगे हमने ऐसे उस समय जैसे हम कर रहे थे तो हमने देखा कि 1 kg मतलब 1 जा रहा था, बस जो सेकेंड ऑब्जेक्ट था उसमें से अपन को फ्रैक्शन देना पड़ा तो वो 2/3 हो जाएगा। 2/3 मतलब समझ ना, क्योंकि उसके 3 था हमें चाहिए था 2, यहाँ हमारे पास 2 चाहिए था ना हमें, और हमारे पास 3 था, 2 को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो एक्स 2/3 हो गया, और अपना यहाँ पे एक्स 4 यूज़ ही नहीं होगा, जो जो यूज हुआ वो 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे सिग्मा एक्स आई डब्ल्यू आई निकालेंगे। एक्स आई डब्ल्यू आई मीन्स ये जो हमारे एक्स आई के जो वैल्यूज हैं और डब्ल्यू आई हमारे वेट्स, उन दोनों में वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल 15 आएगा, तो हमारा कंस्टेंट फुलफिल हो गया। अब मेन जिसके लिए आपने किया, अब हम करेंगे एक्स आई पी आई, जो हर एक ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट था, और इसे एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इसके प्रॉफिट से 10, 2/3 को इसके प्रॉफिट से 5, ऐसे करके सब हो जाएगा, तो इसका हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा 546। तो आप देख सकते हैं यही हमें निकालना था और कंस्टेंटली फुलफिल हो गया। तो ये पूरा हमारा था नैपसैक प्रॉब्लम, एक कंटेनर में हमें मैक्सिमम डिफरेंट ऑब्जेक्ट रखें, स्टूडेंट हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अटेन हो। तो हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।